कान्हा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी 3 टेबल स्पून देसी घी, और मैंने इधर ले लिया है 1 कटोरी आधा कटोरी सूजी, इसको मैं डाल लेती हूँ। अब मैं इसको भून लेती हूँ। इसको सिंक होने तक भूनना है, जब तक ये नहीं आती मैं इसको ऐसे ही भूनती रहूंगी। ये भूनती है, मैं इतनी देर में ड्राई फ्रूट्स को काट लूंगी। हमारी सूजी बन चुकी है गाइस, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। भून लिया है, इस तरीके से आप लोगों को सूजी भूननी है। अब मैं मेवा को भूनूंगी। मैंने ये कुछ 8-10 काजू 8-10 बादाम ले लिए हैं, इनको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छे से भून जाए। मैंने इसको भून लिया है, तो मैं निकाल देती हूँ एक प्लेट में। मैंने ली थी 1 कटोरी सूजी, तो 1 कटोरी सूजी के हिसाब से मैं उसको निकालूंगी। 1 कटोरी सूजी के हिसाब से हमें लेना है 4 कटोरी पानी। मैं इसमें 4 कटोरी पानी डालती हूँ। मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया है, और 4 कटोरी पानी और मीठा तो लोग अपने स्वाद के अनुसार लेते हैं। कोई ज़्यादा मीठा खाए तो 1 कटोरी में 1.5 कटोरी चीनी लेनी है, और कम मीठा खाए तो 1 कटोरी में 1 कटोरी चीनी काफ़ी है। मेरे यहाँ सब लोग कम मीठा खाते हैं, तो मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी इसमें।
मैंने ये एक कटोरी चीनी ले ली है और मैं इसमें डाल सकती हूँ इसको बेक करेंगे। जैसे ये चीनी गल जाती है तभी हम इसमें सूजी को डाल देंगे। मैंने हलवे को एक बाउल में सर्व कर लिया है। हमारा हलवा तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट कीजिए।